कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक है, खैरियत से हैं। तो सबके रोज़े उम्मीद है कि अच्छे गुजर रहे होंगे और माशाल्लाह से आज छठा रोज़ा हो चुका है, तो आज छः रोज़े हो गए और तकरीबन छः के छः अच्छे गुजरे। हाँ, थोड़ी सी लाइट की प्रॉब्लम होती है बट रोज़े अच्छे गुजर रहे हैं। तो हमने परसों का जो रोज़ा था वो हमने बाहर इफ्तार किया था, यानी के रोड पे इफ्तार किया था, और जो आज का रोज़ा था वो आप लोगों ने देखा। आज हमने रोज़ा बाहर की ब्रोस्ट कराची ब्रोस्ट खाया। बच्चे बहुत दिनों से केएफसी कह रहे थे कि केएफसी पे चलो, केएफसी चलो, तो लेकिन केएफसी से ज़्यादा अच्छा टेस्ट मुझे जो कहे ना पी ले शरबत है, केएफसी से जो ज़्यादा अच्छा टेस्ट है ना मुझे वो कराची ब्रोस्ट का लगता है। तो आज हम वहाँ गए थे, तो ये है कि रोज़ा रोज़ घर में खोल खोल के भी बंदा अपने हाथ का बना बना के भी बोर हो जाता। मैं तो हो जाती हूँ, मैं बनाते रहती हूँ उसे देख देख के ना मेरा दिल भर जाता है, मेरा पेट भर जाता है। तो इसीलिए वैसे भी रमज़ान है ना, तो ज़्यादातर अफ्तार यहाँ हम वाइफ और हस्बैंड मिल के ही बनाते हैं। तो मैं ये है कि बस कटिंग वटिंग ये वो कर देती हूँ, तलना वगैरह होता है वो ये, तो वो सब मेरे हस्बैंड करके दे देते हैं। तो फिर हाँ मैं खा लेती हूँ, और तो फिर खा ले जो बंदा खुद बनाता रहता है ना, तो फिर देख देख के दिल भर जाता है। और साथ साथ जो कि मैंने आप लोगों को पिछले व्लॉग में बताया कि साथ साथ ईद की शॉपिंग भी स्टार्ट है, तो क्योंकि ना अब 8 रोज़े बाद मार्केट खुलेगी, जब तक है तो मुझसे जब तक सब्र नहीं हो रहा था, तो भाई मैंने कहा मुझे दिन में शॉपिंग पे ले चलो। तो मेरे हस्बैंड ने कहा रोज़े में दिन में चल पाओगी तो चलो, तो मैंने कहा हाँ नो प्रॉब्लम चल पाएंगे। शहरी में इतना फट फट के जो शहरी में इतना सारा जो खाते हैं, और फिर वैसे भी रोज़ा इतना छोटा होता है ना, सुबह 5 बजे के बाद रोज़ा बंद होता है, और उसके बाद ना 7:45 बजे तो रोज़ा इफ्तार हो भी जाता है। तो दिन दिन में शॉपिंग कर रहे हैं, तो बस ये है कि आज भी गए थे मार्केट, तो जो ईद के लिए जो मैंने आप लोगों को पिछले व्लॉग में बताया था ईद के लिए कपड़ा वो मैंने लिया है। तो बस ये है कि अब टेलर लोगों को देते हैं, क्योंकि ये साड़ी है जिसे मैं खुद तो स्टिच कर नहीं सकती हूँ, और साड़ी की जो कि स्टिचिंग इतनी ज़्यादा है ना, तो थोड़ा सा दिल दुखता है देते हुए, तो उससे तो मैं खुद स्टिच नहीं कर सकती। बट मैंने चलो कहा जी कुछ ऐसे ड्रेस भी है जो कि बाहर से स्टिच करवाना चाहिए, और ड्रेस स्टिच करवाने के लिए मैंने अपना एक ही टेलर रखा है, तो वही टेलर जो है जिसके पास सालाना एक बार मैं जाती हूँ और एक ड्रेस ऐसी ढूंढ के ले जाती हूँ जो मुझसे स्टिच नहीं होती। और वैसे भी रमज़ान है, मेरे पास बिल्कुल टाइम भी नहीं होता। आजकल मैंने कुछ नया बिजनेस भी खोला हुआ है और बस रमज़ान में एक मसरूफियात होती है अफ्तारी बनाने में, और बच्चों की स्कूल वगैरह ये वो, स्कूल की टाइमिंग भी इतनी जल्दी की है ना कि बस पूछो मत कितनी देर बनाना बोलना, इतनी जल्दी किए ना, सुबह 10 बजे उठना पड़ता है। तो शहरी के लिए सबको पता है कराची वाले सोते नहीं, क्या पता आधे कराची वाले सोते भी होंगे, मेरी अम्मी के यहाँ के लोग हैं वो लोग सो जाते शहरी के लिए उठते हैं, लेकिन हम लोग जो के हैं सुबह बाहर रहते हैं, हम लोग जो के हैं सोते ही नहीं हैं, और फिर उसके बाद सुबह फिक्स 10 बजे उठ जाते हैं, तो सिर्फ 4 घंटे की नींद मिलती है। तो बस ये सोचा है कि कपड़े वपड़े जो के शॉपिंग वॉपिंग करके ईद की सब कुछ जमा वमा करके तो ईद के दिन ना सोऊंगी और फिर सोती ही रहूँगी। ईद का पूरा दिन मुझे सो सो के गुजारना है। तो यही था आज का छोटा सा व्लॉग। आज हमने की अफ्तारी कहाँ की, कराची ब्रोस्ट में की, और बहुत ज़्यादा मज़ा आया बड़ा अफ्तारी करने में।
तो यही था छोटा सा ब्लॉग। प्लीज़ मेरी वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक दीजिए इजाज़त। ओके, अल्लाह हाफिज़। हाँ। And then see you.